कोरोना की वजह से टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े शोज मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जहां एक तरफ कई टीवी शोज के मेकर्स ने अपनी शूटिंग लोकेशन को बदल डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ कई टीवी शोज ने अपनी शूटिंग को होल्ड पर रखा है। लेकिन इसी बीच चार टीवी शोज को लेकर बड़ी खबरें भी सामने आ चुकी हैं। ये वो चार शोज हैं जिनमें से कुछ तो कुछ वक्त पहले ही शुरू हुए थे, लेकिन अब चंद ही महीनों बाद इन शोज पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और ये बड़ा खतरा है ऑफ एयर का। जी हां, दरअसल हम जिन चार शोज की बात कर रहे हैं, ये चारों शो जी टीवी के शो हैं, जो बड़े ही ग्रैंड लेवल पर लॉन्च किए गए थे। जी हां, दरअसल खबरें सामने आ रही हैं कि जी टीवी पर टेलीकास्ट किए जा रहे तुझसे है राब्ता, कुर्बान हुआ, हमारी वाली गुड न्यूज और तेरी मेरी इंजीनियरिंग की टीआरपी अंडर स्कैनर है, यानी कि इन चार टीवी शोज को अच्छी रेटिंग्स भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में खबरें ये सामने आ रही है कि अगर इन चारों ही शोज की रेटिंग्स में उछाल नहीं आया तो चैनल इन शो को आने वाले 2 महीने में ही ऑफ एयर कर सकता है। जी हाँ, खबरें हैं कि शो को जिस तरह से कम रेटिंग्स मिल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जून या फिर जुलाई में ये शो ऑफ एयर करने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में ऑन एयर हुआ शो तुझसे है राब्ता, शो को लेकर पिछले काफी वक्त से ऑफ एयर की खबरें सामने आ रही थी। पिछले 1.5 साल से ये शो लोगों का काफी पसंदीदा शो भी बना हुआ है और उन्हें खूब एंटरटेन भी कर रहा है। वहीं कुर्बान हुआ शो भी पिछले लंबे वक्त से जी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है। वहीं हैरानी की बात तो ये है कि जूही परमार स्टारर शो हमारी वाली गुड न्यूज अक्टूबर 2020 में ही ऑन एयर किया गया था। वही तेरी मेरी इंजीनियरिंग शो को तो कुछ ही महीने बीते हैं दस्तक दिए। ऐसे में इन सभी शोज को लेकर जिस तरह से खबरें सामने आई हैं, वो वाकई इन शोज को पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए काफी हैरानी की बात है। और अब वो यही दुआ कर रहे होंगे कि इन शोज की रेटिंग में अच्छा उछाल आए और शो ऑफ एयर ना किए जाए। आपको बता दें कि साल 2020 में जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी, तो उस दौरान टीवी के कई बड़े बड़े टीवी शोज अब्रप्टली ऑफ एयर किए गए थे, और अब ठीक 1 साल बाद कोरोना की वजह से टीवी इंडस्ट्री एक बार फिर से काफी प्रभावित हो रही है। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये है कि आने वाले दिनों में क्या इन चार टीवी शोज पर से ये ऑफ एयर का बड़ा खतरा खत्म होगा। आपका क्या कहना है, शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।